ॐ योनितः प्रविश्य मनवाच इमां प्रशुप्तां तन्दीरयत्तकरशक्तिधरस्तदाम्ना अन्यास्य हस्तचरणप्रवणत्वगाभिः प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ करणिषत्सवर्णम् कर्णगुणद्विरेफा वलितलितकपोलो दानदामाभिरामम् गिरिशगिरिशताभ्याम् लालितं नित्यमङ्के स्वजनवरणशीलम् श्रीलये विष्णुराजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। ॐ नमः परमहंसात्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों, देवियों, भगवान ने अर्जुन को सातवें अध्याय, आठवें अध्याय और नौवें अध्याय में सातवें अध्याय में उन्होंने अपने हृदय की बात कही और ज्ञान और विज्ञान को बताया। आठवें अध्याय में अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूति, अधिभूत इन सब का उपदेश अर्जुन को उन्होंने दिया और जो ज्ञान विज्ञान का अवशिष्ट ज्ञान था, जो रह गया था, उसको भगवान ने नौवें अध्याय में पूरा किया। भगवान के उपदेश से अर्जुन के मन में प्रश्न करने की इच्छा और अधिक जागृत होती जाती थी। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनने में तृप्ति नहीं होती है, इसी तरह से अर्जुन भी भगवान का और उपदेश सुनना चाहते थे। भगवान इस बात को जानते थे, अर्जुन के हृदय की बात को भगवान जानते थे, क्योंकि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय दूसरा कोई नहीं जान सकता है और भक्त के हृदय की गोपनीय बात भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं जान सकता है। दसवें अध्याय में भगवान से अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, सीधे सीधे भगवान उपदेश करने लगे। प्रथम श्लोक को आप देखेंगे तो प्रथम श्लोक में ही भगवान वाच आ गया है। दसवें श्लोक के दसवें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान वाच आ गया है, जबकि और सब जगह अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर परमात्मा ने अर्जुन को दिया है और उस प्रश्न से संबंधित जितने भी विषय थे उनका ज्ञान भी अर्जुन को भगवान ने कराया है। दसवें स्कंद में अर्थात सातवें और नौवें अध्याय में भगवान के तत्व और विभूतियों का वर्णन हुआ है। तत्व का भी वर्णन हुआ है और विभूतियों का भी वर्णन हुआ है और जिन जिन भागों में
भगवान चिंतन करने योग्य हैं, उनका चिंतन करना चाहिए। उन भावों का भगवान ने चिंतन भी बताया कैसे चिंतन करना चाहिए। मृत्यु के समय जो चिंतन ये जीव करता है वही योनि उसे प्राप्त होता है होती है, ये भी भगवान ने अर्जुन को बताया और कहा कि हमेशा परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए, तभी अंतकाल में चिंतन प्राप्त होगा। अभ्यास बना रहेगा तो अंत समय में भी मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण बनेगा। अगर संसार का स्मरण संसार का अभ्यास हमारे हृदय में बैठा रहा तो अंत समय में भी संसार के विषयों की ही याद आएगी और फिर वही योनि हमें प्राप्त होगी। यम वा स्मरण भावम, इस कलेवर को छोड़ते समय जो चिंतन ये मनुष्य करता है तो वही योनि उसे प्राप्त होती है, ऐसा भगवान ने उपदेश किया है। यह तत्व जो ज्ञान विज्ञान का तत्व है, जो विभूतियों का तत्व है, दुर्विज्ञेय है, जल्दी समय में समझ में नहीं आता है, इसलिए भगवान अर्जुन से बिना पूछे ही उपदेश करने लगते हैं ताकि अर्जुन का ज्ञान दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। श्री भगवान वाच भूये महाभाव प्रणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। अर्जुन तुम हमारे उत्तम वाक्यों को सुनो जो परम हितकारी हैं। जो संशय तुम्हारे मन में बना हुआ है उस संशय को नष्ट करने वाले परम हितकारी वचन हम तुम्हें सुनाते हैं। मैं तुझ प्रसन्न होने वाले के हित की इच्छा से यह वचन कह रहा हूँ। मेरे वचनों का अगर तुमने अमृत पान कर लिया अर्थात सुन लिया, समझ लिया, धारण कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। मैं क्यों इसलिए कहता हूँ कि किमर्थम अहम वक्ष्यामि इति आह, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसलिए कहता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े आराधना करने वाले तपस्वी भी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते, इसलिए मैं तुझे सुना रहा हूँ। न मे विदुषुर्गणा प्रदम न महर्षय अहमादरी देवाना महर्षीण सर्वश न मे विदु न जानती सुरगणा ब्रह्मादयः इंतेना विदुः मम प्रभवम प्रभावम, मेरे प्रभाव को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते हैं, इसलिए मैं तुझे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अहमेव मैं ही आदि कारणम ही यस्मात् देवानां महर्षीणां च सर्वशा सर्वप्रकारैहि, सब देवताओं का पूरी सृष्टि का आदि कारण मैं हूँ, महर्षियों का और सृष्टि का भी मूल कारण मैं ही हूँ। अर्जुन मुझे न जान करके मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि में यह जीव उलझ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। यो माम मजाना अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिं च यस्मात्, जो इस बात को जानता है कि मेरा जन्म नहीं होता, मुझसे सबका जन्म होता है, मुझसे पूरी सृष्टि फैला दी जाती है, मेरे द्वारा पूरे विश्व का निर्माण होता है, त्रैलोक का निर्माण भी मेरे द्वारा होता है, लेकिन मेरा जन्म नहीं होता, ऐसा जो जानता है उसके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए अर्जुन, इतः च अहम महेश्वरो लोकानाम, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ, मैं अकेला ही सभी लोगों का ईश्वर हूँ। कैसे हूँ? बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः
सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च। बुद्धि अंतःकरणस्य सूक्ष्माब्ज अर्थबोधना बोधन सामर्थ्यं तद्वन्तं बुद्धिमानं इति वदन्ति। क्या कह रहे हैं भगवान, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर पदार्थों को समझने वाली अंतःकरण की ज्ञान बुद्धि, ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है। उस युक्त से जिसकी बुद्धि है लोग उसे बुद्धिमान कहते हैं। क्या कह रहे हैं समझ में आया, बुद्धिमान किसे कहोगे, जिसे बुद्धिमान कहोगे उसका विवेचन किया जा रहा है। किसे बुद्धिमान कहोगे, जो बुद्धि ज्ञान से युक्त है, अंतःकरण की ज्ञान शक्ति से संयुक्त बुद्धि जिसके पास है, इनो नाम बुद्धिमान, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। अहिंसा तमसा तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति वावा भूतानां मत्तयेव पृथक् विधा। अहिंसा अपीडा प्राणिनां, अहिंसा माने किसी प्राणियों की हिंसा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। समता, समता यानी समचित्तता, समभाव से देखना सबको। तुष्टि, तुष्टि की संतोषा यानी पर्याप्त बुद्धि, कोई बुद्धि में कंजूसी नहीं करना, पर्याप्त बुद्धि लाने से। तप, तप कहते हैं इंद्रिय संयम पूर्वकम, इंद्रियों को अपने वश में करना, उसको तप कहते हैं। शरीर पीडनम, शरीर को कष्ट पहुंचाना, कष्ट देकर के भी साधना करना, इसका नाम तप है। दानम, दानम यानी अपनी संपत्ति के यथाशक्ति संविभाग, शक्ति के अनुसार जो संपत्ति तुम्हारे पास है उसके पांच भाग कर देना चाहिए। एक भाग धर्म धन के लिए रखना चाहिए, एक भाग धन से धन को बढ़ाने के लिए रखना चाहिए, एक भाग अपने परिवार के पालन करने के लिए रखना चाहिए, एक भाग अपने यश की वृद्धि के लिए खर्च करना चाहिए, और एक भाग अपने पुत्र को देना चाहिए, और पांचवा जो भाग है उसका दान करना चाहिए। पंचधा विभजे, पांच तरह से धन को बांटना चाहिए हमारे पास जो संपत्ति है। तो आप देखें अगर इस बात पर अच्छे से विचार करें तो चार जो भाग हैं वो तो हमारे ही पास रह गए, एक ही भाग बचा ना। तो अगर ये भागवत जी का उपदेश है, हाँ भागवत जी में इसकी कथा है बहुत बड़ी, तो अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो इसको 5 टुकड़े में कर दीजिए, 20,000 के 5 भाग कर दीजिए, और आपको ये भाग किसके करना है, मुनाफे वाले में करना है। आपने जो काम किया उसमें जो लागत लगाई, इन्वेस्टिंग की, उससे जो बचत हुई है उसके 5 भाग करना है। एक भाग तो धन से धन बढ़ाने के लिए रखना है, एक भाग पत्नी के लिए रखना है, एक भाग पुत्र को देना है, और चौथा भाग यश के काम के लिए, गांव में चबूतरा बना दो, कुआ बना दो, स्कूल बना दो, ताकि गांव में आपकी प्रसिद्धि हो जावे और उसको देख करके दूसरे लोग वैसा ही काम करें। और पांचवा जो भाग है वो दान कर दो, फिर वहाँ लौट के नहीं देखने का है, दे दिया तो दे दिया, उसमें हमारी कोई आसक्ति ना रहे। इस तरह से धन के 5 भाग करना चाहिए। भवन विभागा भूतानाम मत येव पृथक विधा, अर्थात दान करना, दानम यथाशक्ति संविभाग, दान का अपने धन का विभाग कर देना। यशो धर्म निमित्ता कीर्ति ही, यश कैसे कहते हैं, धर्म के काम करें उससे हमारी कीर्ति फैलेगी। अयश अधर्म निमित्ता अकीर्ति ही, अयश करने से अधर्म होता है और अधर्म होने से अपकीर्ति होती है। इस प्रकार जो प्राणियों के अपने अपने कर्म के अनुसार होने वाले बुद्धि और नाना प्रकार के जो भाव हैं वे सब मुझ ईश्वर में होते हैं। और तथा इतना ही नहीं, अर्जुन आगे सुनाता हूँ अभी तुम्हें। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवत तथा मद्भावा मानता जाता, येषां लोक इमाः प्रजाः
भृगु आदि सप्त ऋषि और पहले होने वाले चार मनु जिनका अतीत काल से संबंध है, जो सावर्ण इस नाम से पुराणों में प्रसिद्ध हैं, सप्तसती दुर्गा सप्तसती का जो पाठ करते हैं उसमें भी ये कथा आती है। सावर्ण संवत्सर भी है ये, और मुझमें चित्त लगाने वाले ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त होकर के जो मेरे मन से उत्पन्न किए गए हैं, जिन मनु आदि महर्षियों की रची हुई जो रचना है, वे अचर रूप से जो जाने जाते हैं, चर रूप से जो जाने जाते हैं, मनुनाम महर्षिणाम सृष्टि लोके इमाहा स्थावर जंगमाहा, उन सब में मैं विद्यमान हूँ, उन सब में मैं रहता हूँ। इसलिए इस भाव से सर्वज्ञातता जिनके हृदय में आ जाती है, एताम विभूतिम योगंच मम यो व्यक्ति तत्वतः शोभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मेरी इस उपरयुक्त विभूति को जो विस्तार से योग से समझता है, मायिक घटना को अथवा योग से उत्पन्न हुई सर्वज्ञता रूप सामर्थ्य को जो एक योग शब्द से कही गई है यथार्थ रूप से जानता है, वह पुरुष निश्चल योग युक्त हो जाता है। निश्चल योग युक्त हो जाता है अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। इस विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए अर्जुन। मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जिस स्वरूप में रहता हूँ, जहाँ जहाँ रहता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ कहाँ निवास करता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सर्वत्र व्याप्त है, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है इसी तरह से परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है। मुझे कहीं ना आना पड़ता है और ना कहीं जाना पड़ता है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरी शक्ति का क्षय नहीं होता है, अक्षय हूँ मैं अव्यय हूँ, मेरा कोई व्यय नहीं होता, मेरी शक्ति का भी व्यय नहीं होता। अर्जुन तुम सुनना चाहते हो मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ। जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, छोटे मोटे महापुरुष हैं, छोटे मोटे तत्व हैं, बड़े बड़े महातत्व हैं, उन सब में मैं निवास करता हूँ, सब में निवास करता हूँ। कैसे निवास करते हैं आप? कहा अभिचल योग से निवास करता हूँ, अभिचल संयोग से, ईदृशेन अभिकम्पेन योगेन उज्जते। अरे अभिचल योग से आप कैसे रहते हो भगवान, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान बोले अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव नामक परब्रह्म समस्त जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण हूँ। पहले तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। मैं पालन करने वाला भी हूँ, सृष्टि करने वाला भी हूँ, और प्रलय के समय में पूरी सृष्टि अपने में विलय करने वाला भी हूँ। लोग आपके स्वरूप को जानते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं जानते कि वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए संसार में ही लिपट जाते हैं। कौन जानता है आपके स्वरूप को? भगवान बोले मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम दुष्यंती च रमंती च। कौन जानता है? मच्चित्ता मई चित्तम एकांते मच्चित्ता, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है वो मेरे चित्त वाले हैं। जो मुझे देखते हैं वो मेरी आँख वाले हैं, जो मुझे सुनते हैं वो मेरे कान वाले हैं। एक एक इंद्रिय जब मुझ में अनुरक्त हो जाती है तो उस भक्त का, मेरे चित्त वाले भक्त का, अर्थात जिसके चित्त में मैं जाकर के बैठ चुका हूँ, मैं जाकर के बैठ गया हूँ जिसके चित्त, वो चित्त वाला जो महापुरुष है, मदगत प्राणा
अर्थात जिन्होंने अपना जीवन अपना प्राण मेरे लिए अर्पित कर दिया है। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए तो सभी करते हैं। कई जीवन हमारे हुए, कई बार हमने जन्म लिया, कई बार हम पैदा हुए, कई बार मृत्यु को प्राप्त हुए। एक जीवन हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य की देह है, ये परमात्मा के चरणों में हम अर्पित कर देते हैं। ऐसा मदगत प्राण जो है, एशांते मदगत प्राण मई उपसंगत करना अथवा मदगत प्राण मदगत जीवना इति एतद्। ऐसे मेरे भक्त आपस में एक दूसरे को समझाते हुए ज्ञान बल के द्वारा, ऐश्वर्य बल के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो जो मेरा चित्त वाला है मत चित्ता, और जो मद गत प्राण जिन्होंने अपने प्राण मेरे लिए जो जीवित हैं, ऐसा समझ लो मेरे लिए ही जो जीवित है, ऐसा मेरा साधक वो महापुरुष वो ज्ञानी अत्यंत प्यारा हो जाता है, उसी मेरी गति को वह प्राप्त होता है। जो हमेशा मेरा भजन करते रहते हैं, जो पुरुष मुझ में प्रेम रखते हैं, बनावटी प्रेम नहीं असली प्रेम जो रखते हैं मुझ में, मेरा ही ध्यान करते रहते हैं, हमेशा मेरा ही स्मरण करते रहते हैं, तेताम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम भयान्ति ते। जो हमेशा मेरा ही भजन करते रहते हैं प्रीति पूर्वक, मेरे सिवाय उनके मन वाणी चित्त अहंकार में दूसरा कोई तत्व होता ही नहीं है, ऐसे प्रीति पूर्वक मेरे भजन करने वाले को मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, बुद्धि योग दे देता हूँ। अर्थात कौन सी बुद्धि दे देता हूँ? ज्ञान निष्ठा पूर्व का या बुद्धि, जो ज्ञान पूर्वक बुद्धि है वो दे देता हूँ, विवेक दे देता हूँ अर्थात बुद्धि के साथ योग करा देता हूँ, तत्व जिज्ञासा की बुद्धि मैं दे देता हूँ उसे, उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से जो बाह्य तृष्णाओं की निरंतर उपेक्षा करता है, मेरा भजन करता रहता है। सेवमानानां किम अर्थित्वादना कारणेन न इति आह, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है प्रीति पूर्वक भजने वालों को, यानी प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। मेरे तत्व को यथार्थ रूप से जान लेना, जिस ज्ञान के द्वारा मेरे तत्व को यथार्थ रूप से